नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज हमारे साथ नोखा के एमएलए बिहारी लाल जी जुड़े हैं, जो कि एक बड़ी घोषणा की है। नोखा की जनता के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है विधायक कोटे से। इनसे हम बात करेंगे, घोषणा के बारे में विस्तार से जानकारी हमें देंगे। जैसे कि सर, आज लॉकडाउन का छठा दिन है, आपने आज छठे दिन बड़ी घोषणा क्या क्या की है? देखिए, पूरा देश केंद्र की सरकार के और राज्य की सरकार के नेतृत्व में, जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन के नेतृत्व में इस कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना को हराने के लिए पूरी जद्दोजहद से लगा हुआ है। और विधायक कोष में भी जो पैसा है वो जनता का पैसा है, जनता की इस बड़ी लड़ाई में वो काम आए, इससे कुछ अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सभी ग्राम पंचायतें, जो विधानसभा में 62 ग्राम पंचायतें हैं, दोनों पंचायत समितियों में, नौका पांचों में, उनमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति इस संक्रमण के दौर में जो दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालता है, ऐसा कोई भी गरीब साथी, जरूरतमंद साथी भूखा नहीं सोए, इसलिए प्रत्येक पंचायत को विधायकों से 1 लाख रुपए और साथ ही सभी सरपंच साहिबान से गुजारिश करेंगे कि अपने गांव में भी इस तरह के कोष का निर्माण करके और भामाशाहों से जन सहयोग से सब मदद लेके और इन सब जरूरतमंद लोगों का ख्याल रख के 1 लाख रुपये, 62 लाख रुपये इस तरह, और 2 पंचायतें जो बड़ी 5 और 10 हज़ार उनमें 1-1 लाख रुपये एक्स्ट्रा, उनको 2-2 लाख रुपये, इस तरह 64 लाख रुपये मैं विधायक कोष से दे रहा हूँ। और जो अग्रिम मोर्चे पे हमारे साथी लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, जो 3 सीएससी में, पीएससी में, 102 सब सेंटर में जो सैकड़ों हमारे साथी स्वास्थ्य को लेके जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 1 लाख रुपए के सुरक्षा उपकरण, ये दस्ताने, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह। पुलिस महकमा जो सीओ ऑफिस के नेतृत्व में हमारे 3 थाने जसरासर, 5 नोखा और 2 चौकियों के, ये जो सैकड़ों पुलिस कर्मियों का हमला है जो अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए भी मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने के लिए 1 लाख रुपए। उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, डीटीओ ऑफिस, दोनों पंचायत समिति कार्यालय, सीबीओ कार्यालय, ये लोग जो घरों से निकल के कोरोना के संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए भी 1 लाख तरह का इसी का प्रावधान। और नगर पालिका जो जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रही है, उसमें भी 2 लाख का योगदान। और 1 लाख रुपए जो स्वास्थ्य कर्मी नगर पालिका के, सफाई कर्मी जो शहर की सफाई का जिम्मा जिन्होंने मुस्तैदी से उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी दस्ताने, सैनिटाइजर और मास्क की 1 लाख रुपए। इसलिए नगर पालिका के 3 लाख और 40 हज़ार रुपये जो विधायक का मूल वेतन होता है वो इस काम में। और 2 संस्थाएँ जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में कम्युनिटी किचन का काम कर सकती है, जिन्होंने प्रशासन को इस संदर्भ में भरोसा भी दिलाया और मुस्तैदी से तैयारी भी कर रही है, मुकाम सेवक दल और बगरावाला द्वारा कमेटी, उन दोनों को भी 2-2 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए बेसारा पशुधन तहसील कार्यालय में तहसीलदार जी को मैं विधायक पर से दूंगा, उनके चारे की व्यवस्था के लिए। और 21 लाख रुपए जो आज ही मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि सीएम रिलीफ फंड में विधायक कोष से वो पैसा वापस कलेक्टर के मार्फत से यदि इसी विधानसभा में लगना है तो 21 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता को, इस तरह 1 करोड़ रुपए की घोषणा विधायक कोष से करते हैं। नोखा की जनता का गुस्सा है कि चाहे परचून की दुकान हो, चाहे खलचूरी की दुकान हो, सभी जगह कालाबाजारी हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों कालाबाजारी हो रही है? देखिए, निश्चित ही ऐसा अगर दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन से आज यही बात हुई है, कलेक्टर साहब से इसमें बात हुई है कि नोखा में पशु आहार के लिए कहीं भी कालाबाजारी की समाचार आ रहे हैं तो पशुपालकों के हित में उस पर तुरंत लगाम लगानी होगी। और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ से भी पशु आहार का वितरण हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जो गांव स्तर पर जीएसएस है वहाँ भी पशु आहार का वितरण हो। सरस जो सरकारी क्षेत्र की डेयरी, सहकारी क्षेत्र की डेयरी है, सरस के भी हर गांव में सोसाइटी है, वहाँ भी सरस का पशु आहार उपलब्ध रहे। प्राइवेट डेयरियाँ जो नोखा क्षेत्र में काम करती है, अमूल है, चाहे नेस्ल है, उनकी भी सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पशु आहार का वितरण हो। इस तरह पशु आहार की कोई कमी पशुपालकों का ना रहे, उसका समुचित प्रबंध किया जाएगा। नोखा के हजारों लोग यहाँ से बाहर है जो काम के लिए बाहर गए हैं, चाहे मद्रास हो, बॉम्बे, हर जगह, अगर वो नोखा आना चाहते हैं क्या करेंगे, किस प्रकार आ सकते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, उनके लिए विशेष आपने कोई अपील, कोई मैसेज क्या है? उन सबसे मेरी गुजारिश यही है कि हमें कोरोना से संघर्ष में लड़ना है, कोरोना के पीछे पूरा हाथ धो के पड़ना है, कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, ये प्रधानमंत्री का आह्वान है, ये मुख्यमंत्री का आह्वान है, हम सबको इस बात की चिंता करनी है। इसलिए जो भी भाई बंधु, उनको मुझे मालूम है कि बहुत पीड़ा है, वो परिवार से बहुत दूर है, लेकिन जो व्यापार के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में, अपने जीवन यापन के, रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर है, वो लगातार हमारे से फ़ोन से संपर्क में,
वहाँ उनकी किसी तरह की कोई समस्या होगी तो उनके दूर करने के हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहाँ की सरकारों से, वहाँ के प्रशासन से हम पूरी तरह संपर्क में, पिछले 7 दिनों में हजारों नौजवानों से इस तरह मेरी बात हुई है, उनको पूरी तरह आश्वस्त किया कि किसी तरह की कोई समस्या उनको वहाँ नहीं आने जाएगी। उनके परिवार का ख्याल यहाँ हम गाँव के लोग हम सब रखेंगे, उनको चिंता मुक्त रहना चाहिए, वो अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, घर में रहे, घर में रहे, घर में रहे, और 14 के बाद जरूर वो घर आएंगे मिलेंगे। आज लॉकडाउन का 6ठा दिन है तो आपका घर में किस प्रकार वितरण होता है पूरे सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक यही आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हो कि हमारे हजारों नौजवान बाहर हैं, उन सब से नौजवानों से बात करने में, उनके फोन सुनने में, प्रशासन को सलाह देने में, प्रशासन को निर्देशित करने में, इन्हीं सब बातों में दिन निकल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि आपके साथ नोखा के विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने आपको पूरी जानकारी बताई थी 1 करोड़ रुपए के बारे में, नोखा के विधायक बिहारीलाल बिश्नोई के विचार किस प्रकार लगे कमेंट द्वारा जो बताए, अगर आपको लगता है ये उचित है तो ये भी बताना, अगर आपको लगता है 10 दिन पहले इनका घोषणा होनी चाहिए उसके बारे में क्या है आपका, ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताइए, जो भी विचार हो कमेंट द्वारा जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।